आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी फाइन हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक नए स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैं 5 स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ, तो ये स्ट्रेटजी नंबर 6 होगा। इस स्ट्रेटजी पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था और फाइनली मैंने इसको अप्रूवल दिया। मुझे कोई भी स्ट्रेटजी पता चलता है तो मैं उसको पहले खुद टेस्ट करता हूँ, मुझे से प्रॉफिट आता है तभी मैं उसको शेयर करता हूँ, और जब तक मुझे 80% मिनिमम 80% का एक्यूरेसी नहीं मिलता है तब तक मैं उस स्ट्रेटजी का अप्रूव नहीं करता हूँ। लेकिन ये स्ट्रेटजी काफ़ी पावरफुल है, इसमें मुझे 90% तक का एक्यूरेसी मिला है। सो इस स्ट्रेटजी को आप लोग ध्यान से समझना, और स्ट्रेटजी तभी वर्क करता है जब उसके साथ साथ आप बेसिक नॉलेज को अप्लाई करते हो। तो बेसिक नॉलेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट है पूरे कोर्स का, आप उसको चेक कर सकते हो। पहले बेसिक सीखो अगर बिगनर हो तो, या अगर आपने सब कुछ देखा हुआ है समझा हुआ है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताता हूँ, तो उससे आप ही का बेनिफिट होगा। तो स्ट्रेटजी एक्चुअली, ये स्ट्रेटजी का नाम है इन्वर्टेड हैमर स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में मैं इन्वर्टेड हैमर को एंट्री के लिए यूज़ करूँगा, और ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा रेंजिंग मार्केट के ऊपर। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं मार्केट टाइप्स में 3 टाइप्स का मार्केट आपको बताया था, ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट एंड स्टक एरिया मार्केट और फ्रीज एरिया मार्केट, राइट। तो ये सारे मार्केट को आप लोग याद रखना और उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। उसके बाद आपको SNR लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग SNR लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक साइकोलॉजी या बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों टॉपिक आपको आना ही चाहिए, और कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी है सब कुछ सीखना। लेकिन उसके बाद इमोशन कंट्रोल पे बात आती है एंड मनी मैनेजमेंट पे बात आती है, तो उस पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, उसको भी आप लोग देखना, देन आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे इस मार्केट में। सो स्ट्रेटजी के लिए हमको एक रेंजिंग मार्केट का रिक्वायरमेंट होगा। तो रेंजिंग मार्केट, आपको पता है कि जब मार्केट 2 लेवल के बीच में मूव कर रहा होता है तो उसी को हम लोग रेंजिंग मार्केट कहते हैं। तो ये प्योर एग्जांपल यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मार्केट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ओके फाइन। तो ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रहा है, आप लोग देखो आपके सामने है, क्योंकि ये लेवल देखो, यहाँ पे इस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर बाद में हालांकि ब्रेकआउट हुआ, अगेन मार्केट इस लेवल पे जैसे ही आता है तो इसको टच करके ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देखो ये लेवल क्या कर रहा है, इसको मार्केट टच कर रहा है और ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो अगेन सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो ये मार्केट का ये जो लेवल है एक अच्छा लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है और यही लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। तो इस तरह का जो लेवल होता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ट्रेडिंग बहुत सारे टाइप की होती है, पैटर्न ट्रेडिंग होती है, SNR ट्रेडिंग होती है, या कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे, या ट्रेंड की जो साइकोलॉजी होती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर ही करता हूँ। लेकिन मार्केट डिपेंड करता है, कभी कभी मार्केट बहुत वर्स हो जाता है तो मैं वहाँ पे फिर जो चीज़ भी मुझे लगता है मार्केट जिस चीज़ को भी उस टाइम फॉलो कर रहा होता है तो मैं उसी के साथ ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन यूजुअली मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है।
आते हैं इस स्ट्रेटजी में एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होना चाहिए SNR लेवल के ऊपर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ। जब हैमर उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है, और आपको पता है कि हैमर कैसा होता है, हैमर जो होता है उसमें एक लंबा सा विक होता है, और वो विक जो होता है उसकी बॉडी का 3x होता है, 3 गुना होता है, ओके। तो उसी को एज ए हैमर कंसिडर किया जाता है, या 2.5 भी अगर होता है अपनी बॉडी का उसका विक जो है, तब भी उसको एज ए हैमर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जब हैमर, ये देखो यहाँ पे भी अगर ये थोड़ा सा विक और लंबा यहाँ तक होता, ये भी एक हैमर है, तो ये एक नॉर्मल हैमर है, और एक ये एक, जब यही उल्टा हो जाएगा तो ये इन्वर्टेड हैमर इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ही स्ट्रेटजी ये वर्क करेगा। तो जब भी किसी SNR लेवल पे, SNR किसी भी SNR नहीं, किसी स्ट्रॉन्ग SNR पे इस तरह का हैमर फॉर्म होता है, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, और वो हैमर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल हैमर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका विक बहुत ज़्यादा 5x हो गया उसकी बॉडी का, तो वो एबनॉर्मल हैमर हो जाएगा, तो उस केस में ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल हैमर होना चाहिए, नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए। तो जब फॉर्म होगा तो वहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ, जो SNR है उसको, उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है जब इस तरह का हैमर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते तो डेफिनेटली इस कैंडल के ऊपर हमको प्रॉफिट हो जाता, अगर अब के लिए हम लोग एंट्री लिए रहते हैं, ठीक है। अब इसी लेवल को देखो, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे भी देखो हैमर फॉर्म हुआ, और यहाँ अब के लिए ट्रेड करते तो डेफिनेटली यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो ये मार्केट तो पूरा रेंजिंग नहीं है, लेकिन ये इस तरह के मार्केट में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये मार्केट क्या है, ये जो लेवल है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये रेंजिंग में भी वैसे ही काम करता है, और दिस काइंड ऑफ मार्केट में भी इससे बहुत अच्छा वर्क करता है। यानी कि ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सपोर्ट क्या हो गया है, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह का मार्केट में भी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा, और रेंजिंग मार्केट में भी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये प्योर हैमर तो नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो ये हैमर होता, प्योर हैमर है, तो और ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हालांकि एक ही बार इसको रिस्पेक्ट मिला है, प्रीवियस में श्योर इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला है, तभी ये लेवल वर्क कर रहा है। देखो प्रॉपर यहाँ तक आया नहीं ये मार्केट, लेकिन प्रीवियस में आप चेक करोगे तो ज़रूर ये लेवल वर्क कर रहा है। तो एक यहाँ पे देखो हैमर लाइक कैंडल बना, और यहाँ के बाद देखो मार्केट थोड़ा सा डोजी हो गया। तो यहाँ पे डोजी कैसे हो गया, इस लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल कोई अच्छा SNR लेवल है, तभी यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा पाया, या ऊपर नहीं जा पाया यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्टक हो रहा है। तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होता है, जब मार्केट मूव नहीं कर पाता है, वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का जो एनर्जी है इक्वल हो जाता है, या दोनों फोर्स लगाते हैं और कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट SNR लेवल कंसीडर करें, इस लेवल को, यानी ये सेकंड जो मैंने ड्रॉ किया, ऊपर वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल की, ठीक है। तो फिर देखोगे कि यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, देख रहे हैं ये जो सेकंड कैंडल है हैमर है। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये लेवल भी अच्छा था, बट यहाँ पे एक और SNR लेवल था जिसकी वजह से यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है, हैमर स्ट्रेटजी, इसको आप यूज करना। लेकिन हैमर के केस में आपका हैमर जो है एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, या जहाँ पे आप एंट्री लेने जा रहे हो, सपोज आपको एंट्री यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग SNR लेवल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्केट हो सकता है वहाँ से बाउंस करके वापस चला जाए, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा मार्केट में, और ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो मैं लाइव एग्जांपल चेक करता हूँ, कोई लाइव एग्जांपल मिल जाए तो मैं उसको फुली प्रूफ कर दूँ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो लाइव एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लाइव एग्जांपल मिलना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि लाइव एग्जांपल मिल जाए। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग इसको डेमो पे टेस्ट करना, रिजल्ट आएगा देन आप रियल अकाउंट से जाना, और छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ करना। मैं तो 1% ही अलाउ करता हूँ इन्वेस्टमेंट, और अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तभी आप मुझे बता सकते हो। देखो यहाँ पे भी हैमर फॉर्म हुआ, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। तो ये हैमर वाली स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है मार्केट में। अगेन देखो यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, तो मैं यहाँ से 25K का मैंने एक डॉलर ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये लेवल उतना अच्छा लेवल नहीं है, मैंने रिस्क ले लिया थोड़ा सा अलग ही, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है फाइनली। क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट मिला, और अगर यहाँ पे किसी भी लेवल को आप वेरीफाई करोगे पहले देन ट्रेड प्लेसमेंट करोगे तो हाँ अच्छा लेवल है। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला हुआ है, यही तो लेवल है ना, और 2 बार इधर मिला हुआ है। जो चांस है और इसका एक्यूरेसी है, अभी भी शायद हैमर ही फॉर्म हो रहा है या डोजी फॉर्म हो रहा है, देखते हैं। तो डोजी यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे देखो डोजी फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई बहुत ही अच्छा वो था, लेवल था, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये ट्रेड काफ़ी लंबा लग गया है, तो आई एम सो सॉरी। तो यही आपको प्रिकॉशन लेना है मार्केट में, यही सब आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करना है अच्छे से तो। लेकिन यहाँ पे देखो डोजी फॉर्म हुआ है, तो ये डोजी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा लेवल है, इसी वजह से यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। तो अगर ये वाली कैंडल अगर हैमर कैंडल बनती है तो हम लोग ऊपर के लिए अप के लिए ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, कम ऑन, जो मुझे चांस लग रहा है इसमें यहाँ पे, हालांकि अचानक से मार्केट नीचे गया है, लेकिन श्योर हूँ कि ये वापस ऊपर जाएगा, यहाँ तक वापस आएगा। तो मैंने 25K का 4 ट्रेड ओपन किया है, यानी कि 1 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। तो आप लोग देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, श्योर एंड सर्टेन यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि इंडिकेशन मिला था, डोजी कैंडल ने इंडिकेट कर दिया था कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाया था, और फाइनली देखो अपने फेवर में ही जा रहा है। लेकिन मैं 100% वो नहीं करता हूँ ट्रेडिंग में, और किसी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए और लॉस कम से कम करिए, उस पर काम करिए, लॉस कम से कम कैसे हो। सो फाइनली आपने देखा यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो ये हैमर स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप लोग यूज़ करो, और भी मैं देखता हूँ कहीं भी कोई एंट्री मिल जाए तो मैं आपको बताऊँगा।
बहुत लोग इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर वगैरह लगा के, लेकिन मुझे उतना अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि इंडिकेटर अगर से इतना इजी हो जाएगा तो फिर बहुत इजी था ट्रेडिंग करना, सबके पास पैसा आ जाएगा, सब लोग रिच हो जाएंगे, तो मुझे उतना बेटर नहीं लगता है इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पे हम लोग एक अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हमको, हालांकि यहाँ पे भी देखो SNR पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लेस करेंगे। गाइस थोड़ा सा नेट मेरे स्टक हो रहा है शायद, तो प्लेसमेंट नहीं हो पाया शायद, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। ये ब्रोकर साइड से शायद कुछ प्लेसमेंट तो हो गया है शायद, नो, वो तो दूसरी करेंसी पेयर का है, तो इसमें स्टक हो गया है अभी मेरा ब्रोकर, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, बट यहाँ से मार्केट श्योर नीचे जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं रिफ्रेश करूँगा अपने ब्रोकर को, आप लोग बने रहिए वीडियो में। सो गाइस यहाँ पे एक्चुअली दो स्ट्रेटजी थी जिसको मैं कंबाइन करना चाह रहा था, लेकिन ये हैमर कैंडल नहीं बना, लेकिन हम मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है ऑलरेडी, मैं उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो इसका भी रिजल्ट देखो अपने फेवर में ही आ गया, ठीक है। फाइनली ये डाउन के लिए मेरे को प्रिडिक्शन करना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अपने फेवर में जा रही है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ITM हो जाता अगर प्लेसमेंट हो गया रहता तो। सो यही है, यही स्ट्रेटजी होती है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो नॉलेज के साथ तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट देता है, और अगर आप इसको विदाउट नॉलेज आप करते हो, बिना किसी नॉलेज के या फेक नॉलेज के थ्रू करते हो, तो नॉलेज को भी वेरीफाई करो, जो भी कोई बता रहा है तो उसको वेरीफाई करो, डेमो अकाउंट इसीलिए होता है, तब उसको अप्लाई करो अपने अकाउंट के साथ, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, उसके बाद आप इसमें स्टार्ट करोगे फाइनली और प्रॉफिट बनाओगे जैसे कि मैं बनाता हूँ। तो आपको यही बताना था, और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, इतना सपोर्ट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, तो मेरा यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो। तो कुछ भी आता है, इशू आता है, कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।